असल लर्नर्स इट इज़ माई थर्ड लेक्चर फ्राम द सेम टॉपिक नरेशन डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट इन दिस लेक्चर वी विल डि बेसिक फार्मूला ऑफ नरेशन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड आल्सो वी विल डिस्कस द रूल नंबर वन दैट इज चेंज इन प्रोनाउम्स सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग टू वाट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ नरेशन बेसिक फार्मूलाज़ एस ओ एन फार्मूला बड़ा मशहूर फार्मूला है एस ओ एन का फार्मूला सन बेटा फार्मूला है एस ओ का ये फार्मूला है क्या बेसिकली अब आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे नरेशन के जो टू पार्ट्स होते हैं एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है रिपोर्टिंग स्पीच वो हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कामवाज के बाहर वाला हिस्सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा होता है जो इन्वर्टेड कामवाज के अंदर वाला हिस्सा होता है हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आ सकते हैं जबकि अंदर वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ सकते हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं कि बाहर वाले हिस्से में जैसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और उसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है तो डिसकस करते हैं अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली डिस्कस करता है रिपोर्टेड स्पीच को ये हमारा अंदर वाला सारा जो रिपोर्टेड स्पीच करता है कि हम पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आते हैं पढ़ चुके हैं कि अंदर वाले हिस्से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आते हैं और ये जो हिस्सा है ये बेसिकली हम शो करता है रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको सपोज दैट हम अगर सेंटेंस सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस है जिसके टू पार्ट्स होते हैं वो हमारा क्वेश्चन होता है और उसका हमें आंसर हमने ये बनाना होता है कि उसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना होता है जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे देखेंगे अंदर वाले हिस्से में कौन कौन सा पर्सन है अंदर वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन जहाँ जहाँ भी आएगा एक बार आए दो बार आए चार बार आए जितनी बार भी फर्स्ट पर्सन या उसकी पूरी फैमिली है फर्स्ट पर्सन की आई वी मी माई माइन माई सेल्फ जैसे वी अस आर 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 सेल्फ आर सेल्फ कुछ पूरा जो फर्स्ट चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो पॉजेसिव केस हो रिफ्लेक्सिव केस हो फर्स्ट पर्सन में कोई भी फैमिली मेंबर आ जाए तो वो चेंज होगा बाहर वाले एस फॉर सब्जेक्ट से एस फॉर सब्जेक्ट जब बाहर वाले हिस्से सब्जेक्ट है अंदर वाले हिस्से में जहाँ जहाँ भी एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी फर्स्ट पर्सन आएंगे उसकी कोई भी किस्म आएगी चाहे नॉमिनेटिव केस हो ऑब्जेक्टिव ऑबजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव केस हो वो उतनी बार ही तब्दील होंगे बाहर वाले एस फॉर सब्जेक्ट के साथ सेम में आगे बढ़ते हैं अंदर वाले हिस्से में सेकेंड पर्सन भी आ सकता है जो कि यू है यू you है योर your है योर्स yours है योर सेल्फ और योर है कुछ भी आ जाए नॉमिनेटिव केस हो उसकी ऑब्जेक्टिव केस हो पॉजेसिव केस हो रिफ्लेक्सिव केस हो कुछ भी सेकेंड पर्सन का आ जाए अंदर वाले हिस्से में एक बार आए दो बार आए जितनी बार भी आए उतनी बार उसको तब्दील करेंगे हम ऑफ आर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से तब्दील करेंगे ओफा ऑबजेक्ट्स यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज होता है कि मैं आपको बता चुका था कि जो बाहर वाला हिस्सा जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसमें चार अज्जा आते हैं चार एलिमेंट्स होते हैं फोर एलिमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्रीपोजिशन भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का और रिपोर्टिंग वर्ब का आना बेहद लाजम है बाकी ऑबजेक्ट आज अच्छी बात है बाजों का तो नहीं भी आता अक्सर सेंटेंस में हम डिस्कस करते हैं नरेशन को अक्सर सेंटेंस में नहीं आता तो अगर आप सवाल ही पैदा होता है कि अगर अंदर हिस्से में बाहर सॉरी बाहर वाले हिस्से में जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम सैकंड चेंज कैसे करेंगे तो तब हम चेंज करेंगे दो तरीके हैं उसके एक तरीका ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है उसको हम यहाँ पर स्पोज कर लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम ऑब्जेक्ट को खुद से स्पोज करते हैं ठीक है खुद से लगा लेते हैं सब्जेक्टिव अगर आई है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगी सब्जेक्ट अगर वी है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगी ही है तो हर हेम होगी शी है तो हर होगी इट तो इट ही होगी दे है तो देम होगी एक तरीकाकार ये है लेकिन द मोस्ट फेमस जो तरीकाकार है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट uh, मिसिंग हो बाहर वाले समय रिपोर्टिंग स्पीच में तो आप हमेशा वहाँ पर मी स्पोस कर लेते हैं क्योंकि हम ये स्पोस करते हैं कि वो बात मुझसे कही गई थी और वो बात मैंने आगे आप तक कन्वे की है तो इस सेंस में हम आमतौर पर ख़ास तौर पर मेट्रिकुलेशन के, के स्टैंडर्ड तक हम आमतौर पर क्या करते हैं कि अगर बाहर वाले हिस्से में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मिस हो ना मौजूद हो तो हम आ, वहाँ पर अमूमन मी सपोज कर लेते हैं दोनों तरीके ठीक हैं चाहे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सपोज कर लें वो भी वो भी तरीक़ाकार है एक तरीक़ाकार है कि हम उसको मी सपोज कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर चेंगे अंदर वाले हिस्से में रिपोर्टिंग रिपोर्ट स्पीच में इन्वर्टर कामर्स के अंदर जो बात हो रही होगी उसमें जितनी बार भी फर्स्ट पर्सन आएंगे उतनी बार एस फॉर सब्जेक्ट से चेंज होंगे अंदरों से जितनी बार भी सेकंड पर्सन आएंगे वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम मिसपोज कर लेंगे और अंदर और इससे में अगर थर्ड पर्सन ही शी इट दे एनी नेम आ जाए उसकी कोई भी फॉर्म आ जाए नॉमिनेटिव केस आ जाए ऑब्जेक्टिव केस आ जाए रिफ्लेक्सिव केस आ जाए या पोजेसिव केस आ जाए कुछ भी उनकी किस्म आ जाए माई हो हिम सॉरी हर सेल्फ हो इट सेल्फ हो देम सेल्फ हो देम हो देयर हो हिम हो हर हो देयर हो कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगा एन एन मीन्स नो चेंज मतलब ये चेंज नहीं होंगे तब्दीली नहीं होंगे ये जैसे हैं उनको वैसे ही देख देंगे मतलब आप देखें हमारे पास बेसिकली सात आठ वर्ड्स थे आई वी आगे की फैमिली है फैमिली से मरा मी माई माइन माई, माई सेल्फ आर आरस वो सारी फैमिली है दूसरा है यू आगे की फैमिली यू यू योर यू, यू, यूर, योर्स योर सेल्फ तीसरा ज़्यादा बड़ा जो फैमिली है बड़ी फैमिली हमारे पास ये थी ही शी इट दे एनी नेम इन्हें मामले हल हो गया था मसला ही हाल इसलिए हो गया कि ये चेंज ही नहीं होने ये जैसे आएंगे जितनी बार भी आएंगे जिस हालत में भी आएंगे उसको उसी हालत में सेम एज़ बगैर को तब्दील आए हुए वैसे का वैसे लिख देंगे इसका तो ऐसा सच हमें एक साइड पे हम कर लेंगे इसको इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है सच क्योंकि ये चेंज नहीं होते ये जैसे आते हैं वैसे लिखते हैं अब से दो चीज़ याद रखनी है हमने अंदर वाले हिस्से में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए चेंज होगा बारह सब्जेक्ट के साथ अंदर और हिस्से में सेकंड पर्सन आ जाए तब्दील करेंगे बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होते तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ हमारे हम हमारे पास देखें ये हमारे पास टेब, टेबल जो मैंने लास्ट टाइम हम प्रीवियस लेक्चर में हम बना चुके हैं अगर उसको गौर करेंगे तो देखें ये नॉमिनेटिव केस है जैसे आई वी है सेकेंड पर्सन यू है थर्ड पर्सन इनिशियट दे हैं ये आपस में चेंज हो सकते हैं क्रॉस नहीं कर सकते ये हमें रखना है ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे आपस में चेंज करते हैं जैसे हम मैं एग्जांपल देना चाहूँगा एक छोटी सी जैसे कि हम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बरदरीज़म चलता है तो बहुत ज़्यादा और तो जब हम शादियाँ करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो किस बरदरी से बिलोंग करता है लड़का तो वहाँ पर उसकी शादी भी वहीं की जाती है जो उसकी बरदरी से बिलोंग करती है लड़की तो हम बरदरी से आम तौर पर बाहर निकल जो कि बहुत गलत बात है सब इंसान बराबर हैं लेकिन आमतौर पर एक एक रवायात चलती आ रही है जो ख़त्म हो जानी चाहिए काफ़ी हद तक ख़त्म हो भी चुकी है इनशाला होपफुली के आने वाले दिनों में इस पर मुकम्मल खत्म हो जाए पाकिस्तान में सब इंसान को हमेशा बराबर समझा जाएगा और ये जात यह जो बरदरीजम का मामला खत्म हो जाएगा बरहल तो ये आपस में चेंज होंगे क्रॉस नहीं चेंज होंगे मैं ये बताना चाह रहा था आपको तो ये हमारा टेबल है टेबल में लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूँ उसको आप स्टडी कर लीजिएगा तो यहां पर आप यह बताना लाजमी है कि तो जब हम ये बात करते हैं कि अंदर में ऐसे में आई या वी या कुछ भी कोई पर्सन फर्स्ट पर्सन कोई भी हाल चेंज होगी सब्जेक्ट के साथ तो वो चेंज अब होगी तो चेंज बिल्कुल उसी के मुताबिक होगी मतलब अगर आई नॉमिनेटिव केस है तो सब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस का लेंगे मतलब ग्रुप वही रहेंगे अगर आई की जगह पर मी है यहाँ पर और मी को चेंज करना है हम सब्जेक्ट के साथ तो मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हम जब बाहर सब्जेक्ट है उसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही से ही चेंज करेंगे इस तरह अगर माई है या आर है या माइन है या आर्स है मतलब पोजैसिव केस है फर्स्ट पर्सन का जब चेंज करने जाएंगे सब्जेक्ट के साथ तो सब्जेक्ट के भी हम पोजेसिव केस ही इस्तेमाल करेंगे इस तरह ही अगर उसका माई सेल्फ आर सेल्फ आर सेल्फ है तो उसकी भी वो चेंज करेंगे वो आ गया आप शायद अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े ईजी इसको समझ आ जाएगी कि हम कैसे तब्दील करते हैं तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास एस टेल का फार्मूला क्या है कि अंदर वाले इसमें जहाँ सब फर्स्ट पर्सन आएगा तब्दील तो होगा बाहर सब्जेक्ट के साथ अंदर वाले समय जहां जहां सेकंड पसन आएगा उतनी बात भी होगा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ अगर नहीं होता तो हम नहीं होगा तो हम मिसपोज कर देंगे और अंदर वाले में अगर थर्ड पर्सन या कोई को फैमिली मेंबर उसका आएगा तो तब्दील नहीं होगा वैसे का वैसे उसको हम लिख देंगे तो यहां तक तो ये फार्मूला था और ये फार्मूला तमाम रूल्स पर लागू होता है सिवाय एक रूल के जो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का रूल रूल नंबर सेवन है यूनिवर्सल ट्रुथ उसमें यह लागू हो नहीं होता बाकी तमाम रूल्स में ये फार्मूला है ये हम इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ते हैं हम आज के पहले रूल के मुताबिक की तरफ पहला रूल जो है नरेशन का उसका नाम है चेंज इन प्रोनाउंस change in pronouns मतलब हम इसे प्रोनाउंस चेंज करना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना जहाँ जहाँ प्रोनाउंस आएंगे मतलब आई वी यू ही शी एट दे जहाँ जहाँ भी प्रोनाउंस आएंगे या उनकी कोई भी किस्म आएगी तो उनको तब्दील तो करेंगे बाकी सेम एस वैसे लिखते जाएंगे तो ये रूल नंबर वन इसका नाम है हर रूल की जैसे हम टेंस पढ़ते हैं उसकी पहचान होती है तो इसकी भी पहचान है हम कैसे पहचानेंगे कि ये रूल नंबर वन है सेकेंड है थर्ड है सेवन्थ है या एट्थ है हम हर रूल की पहचान देखते हैं तो पहले रूल की पहचान क्या है पहले रूल की पहचान ये है कि हम पढ़ चुके हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके टू पार्ट्स होते हैं एक इन्वर्टर का हम के बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और एक अंदर वाला हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं तो सिर्फ वहाद पहला रूल है हमारे पास जिसकी पहचान हमेशा बाहर से हो जाती है अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अकेला अकलोता सा ऐसा रूल है जिसमें बाहर वाला हिस्सा जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें सेकंड आ, पास टेंस नहीं होता उसमें या तो प्रेजेंट टेंस मौजूद होता है या आप इसमें फ्यूचर टेंस होता है जबकि रूल नंबर टू से लेकर ऑनवर्ड जिन्हें बाकी रूल्स पढ़ेंगे हम एट तक सबके अंदर बाहर वाले हिस्से में पास टेंस ही पढ़ा जाता है लिखा जाता है इसलिए जब सब में पास्ट टेंस होगा तब तो हम सेकंड रूल नुबर, रूल नंबर सेकंड से लेकर ऑनवर्ड रूल नंबर एट तक पहचान अंदर वाले से करेंगे रिपोर्टेड स्पीच से करेंगे कि अंदर कौन सी किस लेवल की किस किस्म की बात हो रही है क्योंकि पहला रूल इस तरह हम बाहर से पहचान लेंगे क्योंकि ये वहाद रूल है जिसमें बाहर वाले हिस्से में सेकंड परस पास्ट चेंस नहीं होता बल्कि या तो प्रेजेंट होता है या फ्यूचर होता है तो ये इसकी पहचान है मतलब या तो इसमें से होगा या सेज होगा से और सेज शो करते हैं प्रेजेंट टेंस को ये शो करते हैं प्रेजेंट टेंस को ठीक है या इसमें होगा वेल्स से या शेल्स से और ये दोनों शो करते हैं फ्यूचर टेंस को तो इसके अंदर या तो प्रेजेंट टेंस होगा से या सेज होगा या फिर फ्यूचर टेंस होगा वेल्स से या शेल्स से सिंपल लफ्जों में यहां पर सेड या टोल्ड नहीं होगा ये दोनों नहीं होंगे सेड और टोल्ड शो करते हैं पास्ट टेंस को तो इसमें बाहर वाले हिस्से में सैड या टोल जहाँ पर ना आए तो समझ लीजिए कि ये रूल नंबर वन है तो इसकी पहचान क्या है द सन्टेंसज इन द रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो सेंटेंसेज हैं विल बी बिलोंग्ड वो बिलोंग करते होंगे ताल्लु रखते होंगे टू प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस से और यहाँ फ्यूचर टेंस से या तो प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते होंगे या फ्यूचर टेंस से बिलोंग करते हो बेसिकली वो पास्ट टेंस से बिलोंग नहीं करते होंगे तो ये इसके बेसिक हमारी रिकिगनीशन है वो तमाम टेंस जो बाहर वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो पास्ट टेंस ना हो सेट टोल्ड ना हो तो समझ जाए कि ये रूल नंबर वन है रूल वन में तब्दीलियाँ क्या आएंगी तब्दीलियाँ ये आएंगी कि हम सिंपली क्या करेंगे जहाँ बाहर वाले हिस्से में जिसमें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसमें अगर से होगा तो उसको तब्दील कर देंगे टेल में वैसे तो अगर सब को से भी रहने दें तो कोई ईशू नहीं है वो भी ठीक है लेकिन हम शे को टैल में तब्दील कर देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के मतरादफ़ हैं कोई ईश्यू नहीं है से भी वही है प्रेजेंट फॉर्म है और टैल भी प्रेजेंट फॉर्म है थोड़ा तो शो ऑफ करने के लिए कि हमने चेंजिंग की हैं अदरवाइज अगर से को टैल ना भी करें सब को से भी रहने देंगे तब भी ठीक है इसी तरह का सेज़ होगा तो हम टेल्स कर देंगे जहां पर एस का इजाफा हुआ बेसिकली तो हमने यहाँ पर भी बेस का इजाफा कर दिया टैल से टेल्स कर दिया इस तरह अगर वेल से होगा तो हम चेंज कर देंगे वेल टेल में यहाँ पर वेल का इजाफा किया गया तो हमने यहाँ पर भी वेल का इजाफा कर दिया अगर शेल से होगा तो हम भी शेल टेल कर देंगे यहाँ पर शेल का इजाफा किया गया तो यहाँ पर शेल का इजाफा कर दिया गया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेज वेल से शेल से अगर इनको तब्दील ना भी किया जाए ऐसे ही लिख दिया जाए तब भी कोई इशू नहीं तब भी ठीक है लेकिन हम क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट वर्ड्स मौजूद हैं तो हम उसको चेंज करेंगे ताकि देखने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि हमने एक चेंजिंग्स की हैं इसके अंदर से को टेल कर देंगे से इसको टेल्स कर देंगे वेल से को वेल टेल और शेल से को शेल टेल इन्वर्टेड कॉमर्स जो इन्वर्टेड कामर्स ये वाले इनवर्टेड कामर्स होते हैं ये वाले ये इन्वर्ड कामा और ये इन्वर्ड कामा जो हमारे पास हैं इनको ख़त्म करना बहुत लाजमी है क्यों लाजमी है मैं बता चुका हूँ पहले अपने इंट्रोडक्शन के अंदर क्योंकि जब इन्वर्ड कामाज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वो इसके अंदर वो जो बात होती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो बात हमारी नहीं होती वो बात किसी और की होती है हम अमानता उसको आगे रिप्रेजेंट करते हैं सेम अंदाज़ में सेम वे में आगे बयान करते हैं किसी की बात होते हम कुरान पाक की आयत का तर्जमा कहीं कोट करते हैं जैसे हम हदीसी मुबारक का कहीं कोटेशन के तौर पर यूज़ करते हैं जैसे कई बार हम आ, हज, आ, किसी आ, लीडर की बात को आगे कोटेशन के तौर पर यूज़ करते हैं तो इन्वर्टेड कामर्ज के अंदर होती है क्योंकि वो बात आपकी नहीं होती वो बात किसी और की होती है तो वो इन्वर्टेड कामर्ज के अंदर आएगी तो लेकिन क्योंकि अब आपने चेंजिंग्स करनी है आपने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील करना है जब डायरेक्ट सेंटेंस को इंडेक्ट में तब्दील करेंगे तो उसके लिए शर्त है कि आप उसमें चेंजिंग्स करें तब्दीलियाँ लेके हैं आप कुछ लफा को डिलीट करें और कुछ लफाज को इंटर करें इसके अंदर कुछ लफा जब डिलीट करेंगे और कुछ लफा जब एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो अल्फाज उस शख्स के नहीं रहेंगे उसमें तब्दीली आ चुकी होगी उसमें ख्यानत अमानत के अंदर थोड़ी सी ख्यात हो चुकी होगी लफ्ज़ों का चेंजिंग जा चुकी होंगी अल्फाज की तो इसलिए फिर इन्वर्टर काम नहीं लिखेंगे कि इन्वर्टर काम तब लिखे जाते हैं जब किसी की बात हो जब बात किसी की रही नहीं वो बात आपकी हो गई तब्दीलियों के साथ तो फिर इन्वर्टर काम खत्म हो जाएंगे इसलिए इन्वर्टर काम खत्म करने के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे दैट दैट से नोटर का हम करेंगे तो आइए हम अब हम करते हैं इसकी थोड़ी एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंसेज हैं पहला सेंटेंस बहुत हम पहले इंटरव्यू में भी पढ़ चुके हैं उसको दोबारा मैं आप पहले हमने, हमने इंटरव्यू में पढ़ा था आए एक्सप्लेन वो चेंजिंग हुई कैसे थी सेंटेंस so, है ही सेज़ टू मी उसने मुझसे कहा आई एम योर वेल मैं आपका ख्याल खुआ सपोज मेरे किसी दोस्त ने कहा कि आई एम योर वेल मैं आपका ख्याल खुवा हूँ यह बात मैं आपका कन्वे करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम योर तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन किसका ख्याल खुआ है वो बंदा जिसने मुझसे बात कही है वो मेरा ख्याल खुआ है या मैं आपका ख्याल खुआ हूँ तो हमने उसको जब ये डायरेक्शन टेंस था इन्वर्टर कामास में था क्योंकि ये इन्वर्टर कम्मा ये जो बात है ये मेरे लफाज नहीं है ये अल्फाज किसी और के हैं जो मैं अमानता आगे सेम एज़ सेम आपको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ री डिस्कस कर रहा हूँ जब उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या किया ही वैसे वैसे ही आ गया हम स्टे स्टप चलेंगे जैसे मैथमेटिक्स में हम स्टेप स्ट स्टेप चलते सर चल देंगे ही वैसे वैसे आ गया सेल्स पढ़ चुके हैं कि हम टेल्स कर देंगे सेल्स को टेल्स कर दिया बता चुके हैं अगर सेल्स को सेल्स भी रहने देंगे तब भी इशू कोई नहीं है लेकिन हम क्योंकि सेम हमारे पास अल्टरनेट वर्ड है तो हम अल्टरनेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं अच्छा प्रश्न डालने के लिए तो सेल्स टेल्स में आ गया टू हम नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे जब अभी हम रूल नंबर थ्री पढ़ेंगे रूल नंबर फोर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टू हमने क्यों नहीं लिखा उस वक्त आपको उसकी वजह बताऊंगा कि टू हम अक्सर क्यों काट देते हैं तो अभी बहुत मैं बताऊंगा तो बहुत अर्मी होगा आपको शायद समझ नहीं आएगी तो जब फो रूल नंबर फोर, फोर पढ़े पढ़ने जाएंगे तो हम टू को रोसेस करेंगे क्यों काट रहे हैं टू काट देंगे मी वैसे वैसे ही आ गया यहाँ पर आगे गया नॉर्डर काम इनको ख़त्म करना था इन इन्वर्टर कामर्स को तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम दैट से खत्म करते हैं तो हमने दैट लगा दिया अब आते हैं अब हम पढ़ चुके हैं कि अंदर वाले हिस्से में हमें सिर्फ चेंज और प्रोनाउंस करने हैं जहाँ जहाँ प्रोनाउंस यूज़ किए गए होंगे उनको तब्दील तो 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 करना है अब हम देखते हैं कि आई क्या है आई फर्स्ट पर्सन है और कौन सी ग्रुप है अगर आप टेबल पर देखेंगे हमारे पास ये टेबल मौजूद है इस टेबल में देखेंगे आई कहाँ पर मौजूद है तो आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है तो हमने इसको फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है इसको हमें तब्दील करना है तो ये तब्दील बेसिकली होगा सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं फॉर्मू मुताबिक फर्स्ट पर्सन या उसको कोई भी ग्रुप पाएगा तो चेंज होगा बाहर हो वाले सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट यहाँ पर ये है ही तो ये आई चेंज होगा बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ अब आई जो है टेबल के मुताबिक नॉमिनेटिव केस है फर्स्ट पर्सन का और टेबल के मुताबिक अगर ही को देखें तो टेबल में ही भी नॉमिनेटिव केस के अंदर ही मौजूद है आप देखें ये आई है और यहाँ पर ही भी नामिनेटर केस के अंदर ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही मौजूद है दोनों एक ही ग्रुप में है एक ही ग्रुप है सारा तो हम एक ही ग्रुप के अंदर चेंज कर सकते हैं क्रॉस नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर ही आ गया ठीक है हम आई इसके अंदर ज़म हो गया इसके अंदर अब उसने अपनी हैसियत ख़त्म कर दी उसने अपने आप को ज़म कर दिया इसके अंदर वो आपस में उनका कहने के अभी कॉम्बिनेशन बन गया उनका तो यहाँ पर ही आ गया अब हम पढ़ चुके हैं एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा यूज़ होता है आई के साथ जिसमें हूँ अब क्योंकि यहाँ पर आई रहा नहीं है ही आ चुका है आई इसके अंदर इंटर जम हो चुका है तो आप हाँ ही के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करेंगे प्रेजेंट की एज तो हमने आप ये कॉमन सी बात है हमने एज लगा दी है अब हम हाँ आगे बढ़ते थे योर योर फिर पर्सन है ये कौन सा पर्सन है यह सेकेंड पर्सन है और कौन सी फॉर्म है इसकी सैकंड पर्सन की ये सैकड़ पर्सन की पोजेसिव केस है मलकियत है कब्ज़ा जाहिर करने वाली इसमें आप प्रॉपर्टी शो होती किसी की कि वो वाली फॉर्म है तो ये चेंज हो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो ये चेंज होना है मी के साथ अब यहाँ पर डिफ्रेंस आ गए दोनों के अंदर ये थर्ड कैटेगरी है पोजेसिव केस है टेबल के मुताबिक और मी का टेबल टेबल के मुताबिक देखेंगे तो वो पोजेसिव केस नहीं है बल्कि वो ऑब्जेक्टिव केस है तो ये क्रॉस नहीं हो सकते जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टेबल के अंदर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास योर इस कैटेगरी में है जबकि मीन जो है इस कैटेगरी में ये ऊपर वाले कॉलम में है ये नीचे वाले कॉलम में आपस में क्रॉस नहीं कर सकते तो इन्होंने आपस में स्पोजन मीन इसको दावत दी कि मेरे पास आ जाओ हम आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसने कहा कि मैं आ जाता हूं लेकिन मेरी शर्त है कि जो मेरा ग्रुप है मेरा ग्रो है मैं अपना ग्रुप चेंज नहीं करूंगा तो मैं ग्रुप मुझे वही दे तो अब उसने इसने तो उसकी शर्त मान ली जैसे जहाँ पे इसने आई ने शर्त मानी इसकी उसके दावत पे ये चला गया उसने अपने आप को ज़म कर दिया लेकिन दोनों का ग्रुप एक ही था इशू नहीं बना यहाँ पर जोर क्योंकि उसने इसकी दावत कबूल की है आने के लिए लेकिन शर्त यह है कि जो मेरा ग्रुप है आप मुझे वही ग्रुप दें मेरी पहचान थोड़ी बहुत है ना तो उसने फिर उसने भी क्योंकि इसने उसकी शर्त मान ली है तो उसके पास जाने की तो मी की कि पोजेसिव केस क्या होता है फिर इसलिए भी उसका ग्रुप का क्या होता है माई तो यह योर सिंगुलर फॉर्म है तो मी की सिंगुलर फॉर्म पोजेसिव केस में क्या होती है माई तो यहाँ पे माई आ गया ठीक है जी वेल विशर वेल विशर खैर खुआ खैर हो कभी हो सकता है थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन हम पढ़ चुके हैं नो चेंज तब्दील तो नहीं होता जिस तरह हो जिस हालत में हो वैसे ऐसे वैसे लिखते तो ये हमने वैसे के वैसे लिख दिया तो बड़ा इसमें मैथमेटिकली भी लिखा बड़ा इसका टेक्निकली हम इसको सॉल्व करते हैं और ये स्टेप बाई स्टेप सॉल्व होता है इसमें कोई रटेगा चीज़ नहीं है देखिए हमें बन का, बन गया ही टेल्स मी डैट ही एज माई वैल्यूशन उसने उसे कहा कि वो मेरा ख्याल खाए आगे बढ़ते हैं जल्दी से सेकेंड सेंटेंस पर आई से टू हम मैंने उससे कहा शी डज़ नाट लाइक यू कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती अब हमने पहले तो सेंटेंस पहचाना है कि किस आ, आ, रूल से है हमने यहाँ से पहचान लिया से से पहचान लिया कि यहाँ पर सेड नहीं है पास्ट टेंस नहीं है प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस होगा तो ये रूल वन है हमने क्या किया आई वैसे का वैसे आ गया से टेल कर दिया ये देखें से टेल कर दिया देखकर से को देखें, से बन देंगे तब भी इशू कोई नहीं है टू हमने एज यू काट दिया हिम वैसे का वैसे आ गया इनवर्ड का माँ ख़त्म करने लाजम है दैट से खत्म करेंगे ख़त्म हो गए शी शी कौन सा पर्सन है शी टेबल के मुताबिक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन ही शी एट तो दे एनी नेम कभी भी चेंज नहीं होता है जिस हालत में आ जाए उनको वैसे ही लिख देते हैं तो ये हमने शी वैसे वैसे लिख दिया डस भी ऑटोमेटिक डस्ट भी उसके साथ वैसे ही वैसे आ गया नॉट वैसे ही वैसी, वैसी आ गया लाइक वैसे ही वैसी आ गया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसका नाम क्या है चेंज इन प्रोनाउंस नाउंस हमें सिर्फ प्रो नाउन चेंज करने बाकी कुछ चेंज नहीं करना बाकी जो वर्ड्स होंगे वैसे लिख देने हैं अब यू यू जो है सेकेंड पर्सन है और चेंज होगा बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो कि वहाँ पे हिम है अब यहाँ पे याद रखना है कि यू जब भी आएगा उसका ट्रांसलेशन आदमी करनी है उसकी सेंस आदमी डिस्कवर करनी है कि यू क्या है क्योंकि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म नॉमिनेटिव केस भी यू होता है लेकिन मीनिंग होता है आप या तुम जबकि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है स्पेलिंग सेम लफ लफ्ज सेम है लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है सेंस चेंज हो जाती है यहाँ पे आपको तुमको तुम्हें मीनिंग होता है अब हम देखें यहाँ मीनिंग क्या बन रहा है वो आप पसंद नहीं करती या वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म है ये सेकंड पर्सन की सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्टिव केस है अब ये चेंज होगा इससे दावत दी आ जाए तो असली के में आऊँगा लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए आपका भी अगर हेम को टेबल में देखेंगे तो हेम भी ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो बाई चांस ये ऑब्जेक्ट वहाँ पर हेम वैसे वैसे ही आ गया ठीक है दोनों सेम फॉर्म से बिलोंग करते थे तो बन गया आई टेल है मैंने उसे बताया दैट शी डज नॉट लाइक हिम मैंने उससे बताया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती पहले था आई से टू हिम like मैंने उसे कहा शी ड नॉट लाइक यू मैंने उसे कहा कि वो तुम्हें ही शी डज नॉट लाइक यू वो आपको पसंद नहीं करती वो कन्फ्यूजन थी वो किसको पसंद नहीं करती अब यहाँ वाजह हो गया कि मैंने उससे बताया कि वो उससे पसंद नहीं करती ठीक है बात वाजि हो गई थर्ड सेंटेंस ही विल से टू मी ने मुझसे कहा आई शैल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूँगा अब यहाँ पर हमने फैसला पहचान लिया वेल से से ये वेल से जो है शो होता है फ्यूचर टेंस के अंदर तो हमने चेंज करना है ही वैसे का वैसे ही आ गया वेल से को हम चेंज कर देंगे वेल टेल में हमने वेल टेल कर दिया वेल से वेल से रहने अब इशू नहीं था लेकिन वेल टेल कर दिया टू हमने काट दिया मी वैसे का वैसे ही आ गया इन्वर्टर का महा कर दिया दैट के साथ यहाँ पर किया गया है अब आई फर्स्ट पर्सन है चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ चुके हैं आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ तो चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ तो ये चलिएगा इसके साथ ठीक है अब चेंज होगा गए ही दावत दी आई को कि आप मेरे पास आ जाओ हम मिलकर काम करते हैं तो आई ने दावत से कबूल की उसके निज़ाम होने के लिए तैयार हो गया शर्त रखी उसने कि जो मेरा ग्रुप है आपका वही ग्रुप होना चाहिए तो आई टेबल के मुताबिक ये चार चीज़ें आपको तब समझ आएंगे जब आपने प्रॉपर टेबल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा समझा हुआ होगा आपको आता होगा तो आई टेबल के मुताबिक नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है जबकि ही भी टेबल के मुताबिक थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्टिव केस है दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं एक ही बरादरी से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका आपस में मिलना कोई इशू नहीं है तो इसलिए ही यहाँ पे आ गया आई के साथ शैल लगा हुआ था आप पता है हम आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं ऑल दो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम आई वी के साथ भी वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर हम आई के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं जबकि आई वी के साथ अलावा सबके साथ हम विल का इस्ते समय करते हैं अब यहाँ पर आई ही रहा यहाँ पर वी ही आ गया तो इसके साथ विल आ गया हेल्प वैसे गया वैसे आ गया यू अगेन सेकंड पर्सन जिसने बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ अब मी ने भी दावत दी यू क्योंकि आप मेरे पास आ जाए हम मिलकर काम करते हैं यू ने कहा ठीक है मैं आता हूँ लेकिन शर्त वही पुरानी के ग्रुप मेरा वही होना चाहिए अब यू आई शैल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूँगा मैंने बताया जब भी जू आएगा तो उसका तर्जमा लाजमी करना है उसकी सेंस लाजमी देखनी है यहाँ पर देखें यू नॉमिनेटिव केस में भी जू ही है और ऑब्जेक्टिव केस में भी जू ही है दोनों दोनों यू लेकिन मीनिंग सेंस में फ़र्क है यहाँ जू आप या तुम है यहाँ आपको, आपकी आप तुम्हें वगैरह मीनिंग में आता है तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है यहाँ पर वो कह रहा है कि आई शैल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूँगा तो आपकी मतलब क्या हुआ ये यू जो है ये वाला है ऑब्जेक्टिव केस वाला है और देखें मी किस मी टेबल के मुताबिक कौन से ग्रुप में है मी भी टेबल के मुताबिक ऑब्जेक्टिव केस में ही है तो दोनों एक ही ग्रुप में है इसलिए यहाँ पर इनका चेंज होना आपस में मिक्सअप होना कोई इशू नहीं बनता था इसलिए यहाँ पे हमने मी लिख दिया जो उससे जाके जम हो गया इसके अंदर तो हमारा सेंटेंस बन गया पहले था ही वेल से टू मी वो मुझसे कहेगा वो मुझसे कहेगा आई शैल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूँगा कन्फ्यूजन तो थी कौन किसकी मदद करेगा यहाँ पे हो गया ही विल टेल मी दैट ही विल हेल्प मी वो मुझे कहेगा कि वो मेरी मदद करेगा तो हमने काफ़ी चेंजिंग की हैं तो फ़िक्रा हमारा डायरेक्ट से इन डायरेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया लास्ट सेंटेंस कर रहे हैं शी सेज तो मुझे कहा आई बॉट दिस एप्पल फ्राम योर अंकल शॉप मैंने यह सेब आपके चचा जान की दुकान से ख़रीदा हमने फकररा पहचानना है किस सेंटेंस बिलोंग करता है फिक्रा है सेज सेज़ सेड नहीं है टोल नहीं है सेज़ है प्रेजेंट फॉर्म है तो ये रूल नंबर वन है चेंज करेंगे शी वैसे का वैसे ही आ गया सेज तब्दील करते हैं हम टैल्स में हमने सेज़ को टेल्स में तब्दील कर दिया सेज़ भी रख सकते थे टू हमने काट दिया मी वैसे का वैसे ही आ गया इन्वर्टर का मकद करने के लिए दैन लगा दिया यहाँ पे आई आई फर्स्ट पर्सन चेंज के बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन चेंज का बाहर वाले सब्जेक्ट के साथ तो अब दोनों का वही शर्त है कि मैं चेंज हो जाऊँगा ज़म हो जाऊँगा लेकिन शर्त मेरी ये है कि आपका ग्रो वही होना चाहिए तो आप देखें ये आई है और ये टेबल मुताबिक शी है ठीक है आई और शी दोनों ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं सब्जेक्टिव केस हैं इनके लिए आपस में जम होना कोई इशू नहीं था इसलिए यहाँ पर शी ये वाला शी इधर आ गया अब बॉट सेकंड फॉर्म है हम पढ़ चुके हैं कि सर उन्हें प्रोनाउन चेंज करने कुछ नहीं करना रूल के अंदर बॉट वैसे वैसे आ गया दिस वैसे के वैसे आ गया एप्पल एप्पल सेब किस चीज़ का नाम है नाम एनी नेम थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता पढ़ के हैं थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होता नो no चेंज तो एप्पल किस चीज़ का नाम है थर्ड पर्सन है तब्दील नहीं होगा वैसे का वैसे आ गया फ्रॉम वैसे का वैसे आ गया योर योर यहाँ पर सेकंड पर्सन है सेकेंड पर्सन जो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है ठीक है अब मी ने उसको दावत दी कि आए और हम इकट्ठे काम करते हैं मिलकर काम करते हैं इशू बना उसने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ दावत कबूल करता हूँ आपकी लेकिन इशू ये है छत मेरी वही पुरानी है कि जो मेरा ग्रुप है आपके वही ग्रुप होना चाहिए अब यहाँ पे गौर करें योर ये जोअर है ठीक है योअर कौन सी फॉर्म है सेकंड पर्सन की पोजेसिव फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म है तीसरा ग्रुप है जबकि मी जो है टेबल के मुताबिक वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है या क्रॉस नहीं कर सकते आपस में यह क्रॉस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे अब इसने इसकी शर्त मानी हुई है तो मी को उसकी शर्त माननी पड़ेगी ये उसके सामने माई जो है सिंगुलर फॉर्म जो है उसकी पोजेसिव की वो देगा तो अब इसलिए यहाँ पर मी की बजाय हमने माई लिखा हमने मी नहीं लिखा हमने माई लिखा है क्यों क्योंकि वो प्रजासव था हम इसका प्रजासव दिया तो प्रजासव माई आ गया अंकल शॉप अंकल थर्ड पर्सन है उनकी दुकान भी थर्ड पर्सन है जगह का नाम है अंकल रेशर का नाम है दोनों वर्ड अंकल और शॉप दोनों ही थर्ड पर्सन से और हम पढ़ चुके हैं कि थर्ड पर्सन नो चेंज कभी भी तब्दील नहीं होते जैसे हम वैसे लिख देंगे तो अंकल शॉप वैसे लिख दिया काम खत्म हो गए तो अब तर्जा पहले बन रहा था शी सेज टू मीज मुझसे कहा आई बॉट दिस एप्पल फ्राम योर अंकल शॉप उसने मुझसे कहा कि मैंने यह सेब आपके चचा की दुकान से ख़रीदा मैंने यह सेब आपने किसी ने खरीदा कैसे खरीदा तो अब वाजे हो जाएगा अब ऐसे मैं सपोज मुझे किसी ने कहा कि मैंने ये सेब आपके चाचा की दुकान से ख़रीदा ये बात मैं आपसे कर, कन्वे करता हूँ कि मैंने ये सेब आपके चाचा के दुकान से ख़रीदा आई बॉट दिस एप्पल फ्राम योर अंकल शॉप तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किसने किसकी मैंने ख़रीदा सेब मैंने तो नहीं ख़रीदा खरीदा तो उसने था जब उसको हमने इंडेक्ट बनाया चेंजिंग्स की तो क्या हो गया शी टेल्स मी दैट शी बॉट दिस एप्पल फ्राम माई अंकल शॉप उसने मुझसे उसने मुझे कहा कि उसने ये सेब मेरे चचा के दुकान से ख़रीदा उसने मुझे बताया कि उसने मैंने नहीं उसने ये सेम मैं चचा के दुकान से ख़रीदा बात वाजे हो गई चेंजिंग कितनी तो आ गई हमने यहाँ पर टेल्स को चेंजिंग की है हमने टू ख़त्म किया है दैट इनक्रीज़ किया है हमने यहाँ पर शी को आई की जगह पर शी लिखा है और उसका उसके बाद हमने यू की जगह पर माई लिखा है तो ये हमने चार पांच चेंजिंग्स की थी जिससे हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इंडेक्ट फॉर्म में तब्दील हो गया लेकिन क्योंकि वो बात उसकी नहीं रही बात वो तब्दीलियाँ चुकी है, तो इसलिए हमने इन्वर्टर का मज़ा ख़त्म हो गए तो ये हमारे पास रूल नंबर वन था जो हमने आज स्टडी किया है तो इन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल नंबर टू तो नरेशन का है आप इसको कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं बड़े स्टेप बाई स्टेप लॉजिकली चलती हैं इसमें कोई रट्टे वा लगाने वाली या बात नहीं है कोशिश करें इसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें ताकि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बहुत मज़े की हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको डिस्कस करते हुए तो मैंने हमेशा इसको इन्जॉय किया है पढ़ाते हुए तो इन मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने पढ़ाते हुए इन्जॉय किया है आपने भी इसको सुनने में आल्दों का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है वक्त का एहसास भी है लेकिन मजबूरी थी बहुत डिटेल्स डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपसे तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्जॉय भी किया होगा और उसको समझा भी होगा तो इनशाला तला नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल नंबर टू डिस्कस करेंगे चेंज इन टेंसेस के नाम से जो रूल नंबर टू है ताला उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ थैंक यू